नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मास्टर और आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आज आपको हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस विधि द्वारा आप हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय को बहुत ही आसानी तरीके से, और छोटा हमने इसको बनाया है, देख लीजिए, हमने इसे तैयार किया है जो आपके लिए एकदम छांट करके हमने इनकी पूरी डिटेल्स, साहित्यिक योगदान, इनका भाषा शैली, सारी चीज़ें हमने दी है। तो इन चीज़ों को आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर लेंगे, आपको उसकी भी लिंक दे देंगे, और इसकी हम ऑडियो फाइल कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी बात अभी हम बताते हैं। आप ऑडियो फाइल को सुन करके आराम से, इसकी ऑडियो फाइल को सुन करके आप आराम से इनके जीवन परिचय को आप याद कर सकते हैं। इनके जीवन परिचय को अगर आप MP3 फाइल में डाउनलोड करेंगे तो आप कहीं पर भी मोबाइल में या आप एयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उस ऑडियो फाइल को कैसे डाउनलोड करना है और इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, बहुत ही नॉर्मल किताब से डिफरेंट है, आप आराम से याद कर सकते हैं हरिशंकर परसाई। और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनकी भी एक एक वीडियो, एक एक जीवन परिचय हम आपको आराम से दे देंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो हर एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको मिलते रहेंगे, एक एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये है हमारा चैनल टेक्नो प्लस स्टडी, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन जो मिलेगी उसे सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट से आप आराम से याद कर लेंगे, एक से एक अच्छी वीडियो जो आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरह की अनेक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जुड़े रह सकते हैं। और आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं, ये है वीडियो जिसमें कि आपको इनका जीवन परिचय जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये सबको हाईलाइट किया गया, जो जो याद करने योग्य है उसको हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि हरिशंकर परसाई का जन्म जो है मध्य प्रदेश होशंगाबाद जनपद में इटारसी के लिए, और 22 अगस्त से यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, 22 अगस्त से 1995 ईस्वी तक ये है, और 10 अगस्त से 1995 तक स्वर्गवास, और पूरा डिटेल शिक्षा कहाँ कहाँ तक हुई, कृतियाँ कैसे कहाँ से कहाँ हुई, और कहानी संग्रह इनकी कौन कौन सी है, शिक्षा का टोटल कहाँ से कहाँ, और साहित्यिक कार्य और साहित्यिक योगदान, साहित्य में कैसे उन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या योगदान है उनका, वो सारी चीज़ें इसमें दिए हैं। और कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, संपादन, साहित्य में भाषा शैली की क्या, कैसे यूज करते थे भाषा शैली, ये यहाँ पर नीचे दिया गया है, सब कुछ आराम से पढ़ लीजिएगा, बनाए, हाईलाइट भी किए हैं। बोल चाल में शब्दों का तत्सम शब्दों का, विदेशी भाषाओं का शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों कहावतों का प्रयोग किए, व्यंगात्मक शैली और विवरणात्मक शैली, कथानक शैली का यूज करते थे। और ये परसाई जो थे शुक्लोत्तर युग के लेखक थे, लेखक थे, आप ये पूरा हाईलाइट पढ़ सकते हैं। और नीचे भी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोज आपको मिलेंगे। और इसकी MP3 फाइल डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा, MP3 फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमेशा सुन करके उसे याद कर सकते हैं। सभी जीवन परिचय का हम MP3 फाइल जरूर बना देंगे, और कमेंट कर लीजिएगा अगर किसका जीवन परिचय चाहिए उसको कमेंट करना है आपको, ठीक है, ओके। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं, और अगली वीडियो फिर बनाने के लिए हमें चैनल जुड़ेगा, ठीक है, इस चैनल पर जुड़ जाइएगा, और फिर से हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए संतोष कुमार को जी दी इजाज़त।